माय चैनल सास बहू और दुनियादारी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंच फ्राई। जैसे कि बच्चों को और घर फैमिली मेंबर को हर किसी को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, और घर में वही चीज़ें आप 10 या 20 रुपए में रेडी कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में बहुत ही महंगे प्राइस पे और क्वांटिटी भी बहुत ही कम रहती है। तो आज मैं आपको सिंपल तरीके से घर में बनाना बताऊँगी फ्रेंच फ्राई, जो कि आप बच्चों के टिफिन में और आप यहाँ तक कभी कभार जो है हमारे मेहमान घर में आ जाते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं होता है जिसकी वजह से हम उन्हें कुछ दे पाए और बहुत शर्मिंदगी भी लगती है। तो अगर आप इस रेसिपी को इस तरीके से बना लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगेगा, और खाने वाले को और आपको खिलाने में दोनों में ही आपको मज़ा आएगा। तो वीडियो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आप इस तरीके से अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, जब भी आपके घर में कोई गेस्ट आए या आपको कम समय में कुछ भी बना के रेडी करना है या किसी को स्नैक वगैरह देना है, तो आप इस फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी को बना के रख सकते हैं। तो वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले वीडियो को कर लें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ले लिए हैं आलू। आलू जो पहाड़ी वाली आलू होती है वो है मेरे पास। तो आलू होनी चाहिए लंबी, क्योंकि अगर लंबी होगी तो उसके स्लाइस भी हमारी जो मतलब स्टिक जो बनेगी फिंगर चिप्स वो भी लंबी बनेगी, वो देखने में अच्छी भी लगती है और खाने में भी अच्छी लगती है। और इसको मैंने छील लिया अच्छे से। अब इनको एक बार अच्छे से धुल लेंगे, उसके बाद इसकी बढ़िया स्टिक काट लेंगे। तो आप पूरे वीडियो पे बने रहें और मैं इसके साथ आपको टिप और ट्रिक्स भी बताऊंगी, उसे फॉलो करते हुए बनाएंगे। आपको यकीन मानिए, जैसा आप मार्केट में खाते हैं उससे भी आपका कहीं बेहतर बनके रेडी होगा। मार्केट में कितने महंगे प्राइस पे आपको यही फिंगर चिप्स मिलते हैं 60 और 70 रुपए के हाफ प्लेट, और यही आप घर में बनाएंगे तो 20 से 30 रुपए में बनके रेडी हो जाएगा। और हर एक किसी व्यक्ति को, यानी कि बच्चों को बड़ों को, हर किसी को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो कुछ इस तरीके से हम कट कर लेंगे, और इसकी स्लाइस बहुत मोटी भी नहीं रहेगी, नहीं तो एक थोड़ा सा क्रंची नहीं बनेगा। तो ना मोटी रहे और ना ही पतली रहे, कुछ इस तरीके से हम इसे काट लेंगे और इसे फिर से एक बार धुल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाए। मेरे साथ बने रहे सास बहू और दुनियादारी के साथ। और वीडियो अच्छी लगे, रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को कर ले लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया है पानी 1 लीटर के तकरीबन, और जब उसमें उबाल आने लगे तो यहाँ पर हम डाल देंगे जो ये मतलब आलू जो कट कर रखे हैं, उसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि थोड़ा सा अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, यानी कि 1 से 1.5 घंटे तक पकाना है, मतलब थोड़ा सा वाइट हो जाए बस इतना पकाना है, मतलब ओवर कुक नहीं करना है। बस आप ये समझिए, चढ़ाया नहीं, एक उबाल आया नहीं, आपको बंद कर देना है। यकीन मानिए इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करिएगा। और फिर यहाँ पर एक छलनी लेंगे और इसके पानी को छान लेंगे फटाफट, नहीं तो अगर गर्म पानी में रखा रहने देंगे तो अच्छे से ये कुक हो जाएगा, तो फिंगर चिप्स आपकी क्रंची नहीं बनेगी और खाने में भी अछी नहीं बनेगी। तो ये देखिए पानी इसका छन चुका है। अब एक टॉवल लेंगे, जो भी आप किचन में यूज़ करते हैं, का साफ कपड़ा कुछ भी ले लीजिए, जिससे जो पानी एक्स्ट्रा हमारे आलू में यानी कि फिंगर चिप्स में जो लगे हुए हैं वो अच्छे से सोख ले। कुछ इस तरीके से फैला देंगे, 5 से 10 मिनट तक अच्छे से इसको हल्के हाथों से पोंछ लेंगे पानी को। तो ये हमारा पानी सोख चुका है। अब एक बड़ा बर्तन लेंगे जिसमें हम फिंगर चिप्स को डाल लेंगे ताकि अच्छे से मिलाते बने, इसलिए हम बड़ा बर्तन लेंगे। और यहाँ पे हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर, जी हाँ 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। आप ज़्यादा कुरकुरा चाह रहे हैं तो यहाँ पे 1 चम्मच आप इसमें चावल का आटा मिला सकते हैं, हमने नहीं मिलाया। फिर इस तरीके से ढक्कन लगा के अच्छे से मतलब टॉस कर लेना है ताकि अच्छे से इसमें कोटिंग अच्छे से हो जाए। तो देखिए कोटिंग अच्छे से हो चुकी है। आप एक बार खोल के अगर इस तरीके से भी करना चाहें तो आप इस तरीके से भी कोटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर ऊपर ढका रहेगा तो शायद आपका ज़्यादा अच्छे से होता, शायद नहीं कन्फर्म है। तो अब एक बड़ा सा बर्तन लेंगे यानी कि फैला हुआ, उसमें हम अच्छे से इसमें फैला देंगे। 5 मिनट के लिए आपको रखना है इसको फ्रिज में ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ पर हमारा दूसरी तरफ तेल भी गर्म हो चुका है इसका, जो है पहले तो आप हाई फ्लेम रखिएगा, फिर 1 मिनट बाद आप धीमा कर दीजिएगा। और फ्राई करते हुए आपको बहुत ही केयरफुली होना है, जी हाँ, क्योंकि एक बार में ही सालों को नहीं फ्राई करते हैं, 2 बार में फ्राई करते हैं। ये फिंगर चिप्स ऐसे ही बनता है। और आज हम आपको इस बताएंगे कि आप फ्रिज में भी इसको 2-3 दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, जब भी आपके घर पे कोई मेहमान आए आप फटाफट इस स्नैक को आप ले सकते हैं। तो इस स्टेज पे हम निकाल लेंगे, यानी कि 2 मिनट पका लेंगे, कुछ इस तरीके से वाइट रहे, मतलब आधा कच्चा लाल नहीं होने देंगे। इस स्टेज पर हम अपने फिंगर चिप्स को निकाल लेंगे और जो बाकी हैं सेम उसी तरीके से दोबारा भी इसी प्रोसेस को कर लेना है।
और ये देखिए हमारे जो बाकी के भी आलू थे, दोबारा भी हमारा इसी तरीके से मतलब कम पका के हम इस तरह फ्राई कर लेना है। तो बस अब दोबारा हम बढ़िया अपने तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे, यानी कि हाई फ्लेम पे, और दोबारा हमें इसी काम को कर लेना है। आपको अगर रखना है फ्रिज में तो आप रख सकते हैं जैसे मैंने पहले पकाया है, और आपको नहीं रखना है तो दोबारा लाल होने तक, अच्छे से क्रिस्पी होने तक बढ़िया पहले हाई फ्लेम और फिर लो फ्लेम करके क्रंची होने तक पका लेना है। तो ये देखिए हमारा फिंगर चिप्स बन के रेडी हो चुका है, और सेम दूसरी बार भी हमें इसी तरीके से पका लेना है। सब लोग आ जाइए खाने, क्योंकि फिंगर चिप्स बन के बिल्कुल मार्केट के तरह बन के रेडी हो चुका है। मैं तो कह रही हूँ उससे भी ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी हुआ है। तो बस एक बार फिर से मैं बड़ा बर्तन लेना जिसमें हम मसाले ऐड करेंगे ताकि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ऑरिगेनो, थोड़ा सा लेके अपने हाथ में मसल लेंगे ताकि अच्छे से फ्लेवर हमारे जो है सारे फिंगर चिप्स में अच्छे से पहुँच जाए। फिर बढ़िया डालेंगे। टाटा बनाने के लिए मैंने इसमें डाल दिया है लाल मिर्च, और बढ़िया टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, मतलब कम ही डालिएगा। और फिर अच्छे से इसको कर लेना है टॉस, और इसको आप इंजॉय करें। मैं तो कह रही हूँ आपके घर पे अगर छोटी मोटी पार्टी हो तो भी आप स्टार्टर की तरह इसको बना के आप अपने मेहमानों में सर्व कर सकते हैं। आपके बच्चे अगर टिफिन किसी दिन आप बदल के इस रेसिपी को दे सकते हैं, आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाएगा। मैं तो कह रही हूँ आपके तारीफों को पुल बांधने लगेगा। तो आप इस तरीके से अपने घर पर मार्केट के स्टाइल में आप फिंगर चिप्स बनाएं, अपने घर में फैमिली और गेस्ट के साथ इंजॉय करें, और मुझे बताएं कि आप लोग को ये बढ़िया मार्केट की तरह बनके हमारा ये फिंगर चिप्स आप लोग को कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।